आसानी से खींच सकता है, जिसमें कोई लगेज भी हो सकता है, कोई दरख्त, कोई क्रू मेंबर या फिर हत्ता के कोई छोटी गाड़ी भी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक E-170 एयरक्राफ्ट पार्किंग में खड़ा है और इसका इंजन चल रहा है। टनल में मौजूद क्रू मेंबर के हाथ से एक कोन गलती से इंजन में सक हो जाती है और फौरन दूसरी साइड से एक फायर बॉल निकलता है। अब ये तो हमने बात की जेट इंजन के अंदर जाने वाली हवा के प्रेशर की। इंजन की बैक साइड से जो प्रेशर निकलता है इसको थ्रस्ट कहा जाता है। ये इंजन में एंटर होने वाले प्रेशर से कहीं ज्यादा होता है, करीब 100 times ज्यादा। एयरबस A320 के इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट 1,27,000 kg का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और दोनों इंजन को मिलाकर बात की जाए तो ये थ्रस्ट 2,54,000 kg बनता है। ये इतना ही थ्रस्ट है जितना एक एवरेज ट्रेन इंजन का वजन होता है।